एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी बुनियादी ढांचा बरकरार रहता है और लगभग 160 आतंकवादी भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए नियंत्रण रेखा पर इंतजार कर रहे हैं। कश्मीरी प्रवासी पंडितों के एक समूह ने रविवार को अपनी बेटी की शादी की पूर्व संध्या पर एक समुदाय के सदस्य की हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जम्मू फैशन वीक फाइनल के लिए अपनी तैयारी में उत्साहपूर्वक कदम उठा रहा है। रविवार को अमर सिंह क्लब में JFW ने अपना दूसरा रिहर्सल और ऑडिशन आयोजित किया। जनसांख्यिकीय हमला जम्मू में सबसे बड़ी चुनौती है और एकजुट जम्मू इसे व्यापक रूप से पराजित करेगा। भारतीय जनता पार्टी के युवा गुट के राज्य अध्यक्ष विकास चौधरी ने भाजपा राज्य अध्यक्ष रविंदर रैना की उपस्थिति में पार्टी मुख्यालय में युवा जोड़ी अभियान का आयोजन किया। डॉक्टर सुशील HOD कार्डियोलॉजी GMC जम्मू और उनकी टीम ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सिंबल शिविर में एक मेडिकल चेकअप और उपचार शिविर का आयोजन किया। चेनानी पुलिस ने 4 बोवाइन जानवरों को बचाया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। रविवार रात जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा कथित रूप से एक पंचायत घर को आग लगा दी गई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष GA मीर ने रविवार को BJP को राज्य में नागरिक निकायों के नियंत्रण के लिए घोड़े के व्यापार में शामिल होने का आरोप लगाया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के सम्मान में आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। PM मोदी का वाराणसी दौरा, 2500 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। BJP ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 131 नामों पर लगी मुहर। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने दिल्ली में उच्च प्रदूषण के स्तर के कारण 12 नवंबर तक ट्रक के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद 600 से ज्यादा वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश से इनकार कर दिया। पिछले कुछ दिनों से गिरावट वाली प्रवृत्ति को जारी रखने के लिए देशभर में तेल विपणन फर्मों ने सोमवार को परिवहन ईंधन के लिए दरों में कटौती की। जम्मू कश्मीर में सोमवार को व्यापक बारिश और बर्फ का पूर्वानुमान रहा है क्योंकि न्यूनतम तापमान में सुधार हुआ है जबकि दिन के तापमान में और गिरावट की संभावना है। 15 से 65 वर्ष की आयु के बीच लगभग 69% पाकिस्तानी नहीं जानते कि इंटरनेट क्या है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के आधार पर सर्वेक्षण से पता चला है। कोयला जलने और वाहन विकास के कारण नियमित रूप से जहरीली हवा से पीड़ित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को एक बार फिर से खराब दिन देखा गया।